हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं घूमने, जो अपने गांव से थोड़ी अलग दूसरे गांव में जो द्वारा है वहां तक जाएंगे। कोशिश करेंगे, अगर पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे। तो आज मेरे साथ है फिर से समीर भाई और आम्बर जो आगे चल रहा है ये, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम। तो गाइस, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि सुबह सुबह मैंने जब व्हाट्सअप खोला तो मुझे मेरी डेट शीट आ गई है। तो आज के बाद कंटिन्यू तो व्लॉग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पढ़ना भी मुझे, तो अपनी तरफ से तो मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि व्लॉग बनाने में कौन सा टाइम लगता है अभी कुछ क्लियर नहीं कह सकता, तो देखते हैं। ये हमारे आमर भाई, ये हमारे समीर भाई। तो आज व्लॉग में काफी मजा आएगा आज। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं आधे ही रास्ते में। अब ये वाली जो सड़क है आपको दिखाई दे रही होगी, इस सड़क से मैं पहले स्कूल जाया करता था साइकिल लेकर, लेकिन अब साइकिल मेरे पास नहीं है, मैंने सेल कर दिए। फिर से लूँगा बाहर, जब आएगी स्कूल खुलेंगी फिर साइकिल ले लूँगा। आज काफ़ी ज़बरदस्त दिन है, ना इतनी ठंड और ना इतनी गर्मी, नॉर्मल दिन है। आम्र और समीर चल रहे हैं मेरे पीछे, वो पीछे चल रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर पानी का चश्मा भी एक था, देखते हैं अगर हुआ तो पानी पियेंगे, देखते हैं पानी है कि नहीं। नहीं गाइस, पानी बिल्कुल सूखा पड़ा है अभी, देखना ये वाला है, ये पाइप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पहले पानी हुआ करता था लेकिन आज बिल्कुल भी पानी नहीं है। गाइस देखो सनसेट कितना अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। गाइस, ये जो आपको गांव दिखाई दे रहा है, इस गांव का नाम है राजरवाइयाँ, ये दरिया के उस साइड पड़ता है ये वाला गांव, छोटा सा गांव है ये। गाइस इनके चल रहे हैं गाने पीछे समीर और आमर के, तो अभी हम आधे रास्ते में। आज मौसम देखो गाइस, हर तरफ हो गई, ये देखो पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और वहाँ पर देखो किसी ने आग भी लगा दी, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। किसी ने आग लगा दी उधर, पता नहीं क्यों लगाई है ये तो नहीं पता है, लेकिन आग लगा दी किसी ने, ये देखो धुआं ही धुआं। तो अभी हम चलते हैं, मीर भाई को अपने साथ रखते हैं, ये देखो वो भाग रहा है दूर, यार समझ नहीं आ रही क्यों कैमरे से दूर भागता है, और देखो आगे भाग रहा है आमर भाई घर साथ में। गाइस इतना मैं पैदल चल के जाना पड़ता था, जितना मैं आज चल के आया हूँ इतना मेरा हर रोज का आना जाना था, क्योंकि आगे से मुझे बस मिलती थी। गिंगल जाता था मैं स्कूल, इसलिए मुझे घर से पैदल आना पड़ता था, लगभग कितना 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो ढाई दिन का मेरा आना, वो भी गर्मियों में मैं आता था पैदल चल के। उसके बाद फिर बस वहाँ से मिलती थी, दो रास्ते, वहाँ से भांडी से जाओ वहाँ से भी मिल जाती थी, लेकिन वहाँ से थोड़ी चढ़ाई है, यहाँ से सीधा रास्ता, इसलिए मैं यहाँ से जाता था। अभी टाइम मिला हम नीचे दरिया पर भी जाएंगे, जहाँ पर हम पहले नहाते थे गर्मी में, बाहर में तो हम नहाते ही हैं, जब भी मूड बनता है तो आ जाते हैं इधर नहाने, लेकिन आज ठंड है तो आज कौन आएगा दरिया में। अभी उनको रुकता हूँ, वो थोड़े पीछे रह गए हैं। सो अभी ये आ गए मेरे साथ, तो अभी चलते हैं। गाइज मेरे भाई का यूट्यूब चैनल भी है, ये जो आम्बर है इसका भी यूट्यूब चैनल है, ये गेमिंग वीडियो डालते हैं और ऐसे भी कॉमेडियन वीडियो भी ज़्यादा कर, ये पबजी के वीडियो डालते हैं। इसका चैनल का नाम है, क्या नाम है तेरे चैनल का, नाम क्या है, नाम क्या है बोल ना, आमर वाईटी। जरा देखा आपने चैनल का नाम, आमर वाईटी इसके चैनल का नाम है, आई थिंक आमर वाईटी। आमर वाईटी 658।
गाइस ये देखो ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये प्राइवेट स्कूल है कपिल पब्लिक, यही नाम है कपिल पब्लिक स्कूल। तो हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है मेरे साथ क्या है, पीछे भी व्लॉग बन रहे हैं आप देखो आमिर भाई का। आमिर भाई कुछ बोल रहे लेकिन सपोर्ट नहीं मिलती मुझे बिल्कुल भी चैनल पर, ना ही सपोर्ट मिलती है ना कुछ। ये देखो गाइस यहाँ का व्यू कितना मस्त आ रहा है अभी देखना। गाइस सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिल रही है मुझे, बोल रहा है अभी मैं ये फोन बेच के आईफोन लूंगा फिर भी देखूंगा। आईफोन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे बजट नहीं है इतना, क्या मेरे को बात ही नहीं हो तो मैं कहां से लूंगा आईफोन। आमिर बोल रहा है उसके लिए किडनी देनी पड़ेगी, किडनी सही बात है, किडनी देनी पड़ेगी फिर आ जाएगा आईफोन, जो कि मैं दूंगा नहीं वो समीर की देनी पड़ेगी हमें लगता है, जो घमंडी है हाँ जो कैमरे में बिल्कुल नहीं आता है, एटीट्यूड किंग है ये, ओवर एक्टिंग की दुकान है, ओवर एक्टिंग की दुकान। दोस्त को भी समझते इनकी किडनी मुझे आईफोन दे दा सकती है। और देखो गाइस नीचे कितना अच्छा व्यू आ रहा है दरिया का, दरिया का। तो गाइस हम द्वारा पहुंच गए लेकिन अभी घर जाने का प्रोग्राम है वापस क्योंकि लेट हो जाएगा, ऑलरेडी 4:30 हो गए तो घर पहुंचने तो लगभग हमें आधा घंटा लगभग 40 मिनट तो लग जाएंगे घर पहुंचने के लिए। तो आगे द्वारा के द्वारा गांव आगे से असल में शुरू, यहीं से शुरू होता है लेकिन घर वगैरह आगे से शुरू होते हैं। तो अभी समीर बोलने लगा चलो तो हम चलते हैं ना, नहीं तो पी दी कसम गाइस अभी समीर की एक चीज मेरे पास आ गई है, देखने इसके पीछे कैसे भागेगा अभी देखना, लेकिन ये देना नहीं है इसलिए ये हमारे साथ ये एयरबार से आप देख सकते हो, तभी मेरे पीछे कुत्ते की तरह भागेगा नहीं तो ये कहाँ आएगा। अगर मेरे साथ आया नीचे दरिया के पास तो मैं दे दूंगा, नहीं तो कसम उठा के कह तो मैं नहीं दूंगा, बस नहीं तू दे देगा तू कसम उठा, चल ठीक है अगर नीचे जाएगा हमारे साथ दरिया पर तो हम दे देंगे इसको, नहीं तो नहीं देंगे। अभी ये बोल रहे सीधा घर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाना, हम पहले जाएंगे दरिया पर आपको दिखाएंगे ना, यहाँ पर नहीं देना तू नहीं देना, ऐसी हमें बेवकूफ बना रहा है, नहीं देना कसम से, हम मैं कसम उठा के बोल रहा हूँ अगर तू साथ में गया तो दे दूंगा कसम से, नहीं तो रात को मैं सुनूंगा मुझे क्या है, वैसे ही मुझे एडिट करना है ये वीडियो, अभी घर जाके तो ये पहनूंगा आराम से तो एडिट करूंगा मैं भी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं दरिया पर, इधर से नीचे से भी रास्ता जाते हैं हमारी घर की ओर, तो पहले हम दरिया पर जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे घर, यहाँ से भी किनारे से भी रास्ता जाता है, मैं और आमिर दो ही, उसको बोला वो नहीं आ रहा है, मिनते भी की आप क्या बोल सकते हैं उसको, लेकिन उसकी चीज़ एक हमारे पास आ गई है एयरबड्स तो हम उसको नहीं देंगे, मैंने कसम उठाई है। आगे चल रहे आमिर, ये आगे आमिर चल रहा है, इसके पीछे पीछे मैं भी। गाइज इस रास्ते से हम पहली बार आए दरिया पर, पहले तो दरिया पर आते थे लेकिन वो दूसरे साइड से आते थे, इस रास्ते से हम पहली बार आए दरिया पर, गिर गया था मैं बड़ी, क्योंकि ये जो मैंने जूता पहना है ना ये इसमें फिसलन ज्यादा हो रही है। अभी हवा का साउंड भी आएगा आपको तो मैं थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करूंगा।
फाइनली हम दरिया पर आ गए गाइस। यहाँ पे हम नहाने भी आते थे लेकिन यहाँ इस साइड तो नहीं आते थे, लेकिन थोड़ा आगे आते थे, हम आपको आगे दिखाएंगे। अब काफी ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे जूते इसमें फिसलन ज्यादा है, काफी ज्यादा फिसलन रहा हूं मैं ये जूता पहनकर, तो अब काफी ध्यान से चलना पड़ेगा, अगर जरा भी गलती हुई तो मैं गिर जाऊंगा। अब थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूं क्योंकि पानी का आवाज भी आपको आ रहा होगा। देखो गाइस कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे, देखो आप। आमिर भाई बना रहे वीडियो यूट्यूब के लिए शॉर्ट, तो काफी मस्त व्यू आ रहा है। मेरे पास कोई माइक तो नहीं है, ये फोन के इंटरनल माइक से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। गाइस यहाँ पर हम समर में नहाने भी आते थे इस दरिया पर, यहाँ पर तो नहीं आते थे, वो पीछे वाली साइड आते थे, तो अभी काफी लेट हो रहा है, तो अभी जाते हैं घर, क्योंकि अगर नीचे वाले रास्ते से जाएंगे तो पत्थर भी काफी ज्यादा है, फिसलन भी है, तो टाइम लग जाएगा। अभी हम जाते हैं ऊपर वापस, तो सड़क से जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं वापस इसी रास्ते से जिस रास्ते से आए थे, अगर दरिया से जाते तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा फिसलन हो रही है पत्थरों से, तो अभी यहां से वापस जाते हैं। तो गाइस लिटरली शाम के 5:30 हो गए, और अभी हम आधे ही रास्ते में, पत्नी और कितना टाइम लगेगा, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा कि कितने बजे हम घर पहुंचते हैं। शुक्र है कि मैंने डिसीजन ले लिया कि अभी हम नीचे वाले रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से काफी ज्यादा फिसलन हो रही थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया हम सड़क से जाएंगे। तब भी देखो कितना ज्यादा टाइम हो गया, तो अभी घर पहुंच के मिलते हैं। हे गाइस दिस इज नेक्स्ट डे, तो कल काफी लेट पहुंचा था घर, तो इसलिए व्लॉग को एंड नहीं कर पाया। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे रखना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।